तो आज नहीं खाना किट्टू को रेडी कर रखा है बर्थडे में भेजने के पर उसमें बर्थडे में बच्चों में मेरे को मलाई पसंद हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है, आज बेबो स्कूल नहीं गई है और साथ ही किट्टू भी स्कूल नहीं गई है क्योंकि किट्टू को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। सुबह बोल रही थी मेरे पेट दर्द हो रही है, तो इसलिए आज उसको भी स्कूल नहीं गया है। बेबो तो आजकल स्कूल जा ही नहीं रही है क्योंकि उसका बोर्ड है तो स्कूल में बच्चे ना के बराबर ही आ रहे हैं, तो इसलिए वो भी नहीं जा रही है। तो यहाँ पर मेरा मॉर्निंग का नाश्ता बन रहा है, आज नाश्ता थोड़ा देर में ही बन रहा है क्योंकि किट्टू ने जब बोला सुबह सुबह पेट दर्द हो रही है तो फिर मैंने सुबह नाश्ता नहीं बनाया, तो मैं बना रही हूँ आराम से नाश्ता। ये हरी सब्ज़ी वही सब्ज़ी है जो उस दिन कल मुझे आंटी ने दी थी। हरी सब्ज़ी सुबह सुबह के टाइम पर सही रहता है, फिर रात के टाइम पर ठंडा भी होता है, कहते हैं ना हरी सब्ज़ी से। तो मैं एक बारी खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ छत में और अभी धूप देख सकते हैं ऐसी आ रही है, ठीक ठाक है। मतलब धूप बहुत डार्क नहीं है, लाइट लाइट आई है धूप। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ डाल दिए हैं और इसके ऊपर से कपड़ा रख दिया है क्योंकि किसी किसी समय मुझे अंदर जाना पड़ता है तो ये सब खा देंगे। तो मैंने ये पतला सा कपड़ा है इससे ढक रखे हैं गेहूँ। तो ये सूखे हुए जूते थे, हल्के हल्के सुखाने थे तो ये रख दिए किनारे से ताकि ये उड़े ना। और कल के जो कपड़े थे वो भी डाल दिए हैं। और यहाँ पे हम खा रहे हैं गन्ना। आज बेबो तो स्कूल नहीं जाती है, वैसे ही कल गई थी, वो तो कह रही थी कि स्कूल में मेरे साथ दो लड़कियाँ और आई थी, कुल तीन लड़कियाँ आई थी हम पूरे क्लास में कह रही थी, और दो तीन लड़कियाँ आई थी कह रही, इस वजह से नहीं गई। पर किट्टू का ना सुबह पेट दर्द कह रही थी तो इसलिए आज इसको भी स्कूल नहीं भेजा मैंने। मैंने सोचा कहीं स्कूल में जाके ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अभी इसको नहला धुला के मैंने छत में रखा है और ये खा रही है गन्ना। ये गन्ना वही वाला है जो गाय ने तोड़ दिया था परसों, गाय नहीं वो सांड आया था उसने तोड़ दिया था, तो फिर हमने इसको रख दिया था, कल नहीं खा पाए तो आज खा रहे हैं हम। लाडो खा रही है गन्ना यहाँ पर। तो मैंने अंदर सुबह का खाना तो बना दिया था, फिर अभी दिन का भात बना रखा है, भात बना के रख के आई हूँ, अभी खाएंगे थोड़ी देर में। नहीं खाना तुम्हारी घंटी बज रही है, सिटी बोलते हैं उसको। मेरे तो दांत में दर्द हो गई इसको खाने से, मेरे नहीं हुई। आपको ठंडा तो नहीं हो रहा? नहीं। पेट दर्द तो नहीं हो रही? अच्छा, कहीं बुखार तो नहीं आया आपको? चेक कर लो, आप लगाओ माथे में हाथ। नहीं आया ना? चलो ठीक है। तो यहाँ पे खाना बन चुका है हमारा, तो मैं एक बारी ना बच्चों को खाना खिला देती हूँ। किट्टू की नई चप्पल बेबो छत में पहन के आ गई, देखो और बेबो को आ रहा है गुस्सा, किट्टू को आ रहा है गुस्सा। अब अपनी चीज ना दे, मेरी यूज कर। बाप रे किट्टू का गुस्सा, आदि मानव जैसा मत करो। उससे बोलो ना चप्पल उतारे। मैं कैसे बोलूं, उतार नहीं रही है तो बोलो ना। अब इतनी छोटी किट्टू की चप्पल पहन के वो फैला रही है तो उसको भी शर्म होनी चाहिए, उतनी छोटे चप्पल पहन रही है। इनको छत में नहीं पहनना था। अरे मैं बच्चों का तमाशा देख। अरे बुबू आए हैं उनके, उनका आज बर्थडे है। अरे ये तभी आए होंगे ना, मेरा की बेटी दिख गई। किसकी किसकी बेटी? वहाँ से वो देख रहे हैं, नमस्कार बोलो उनको।
ठीक हो? हाँ बुर्जो। घर है? घर है। हाँ नहीं आए? क्या कर रहे हो वहाँ ठंड में? वहाँ तो धूप है। ओ कहाँ गए बच्चे? ओ बेबी रिसु, आज क्या खिलाने वाला है? फिर केक खिलाने वाला है? कौन सा? मेरे बर्थडे में आना। आपने बुलाया नहीं मेरे को बर्थडे में? आना, मैं बुला तो रही हूं। अच्छा आप बुला रही हो? अब खेत में क्यों जा रही हो फिर? ओ बुबू चले गए हैं, जाओ आप भी, जल्दी जाओ। तुम लोगों में से किसी का ट्यूशन नहीं है ना? क्या हुआ? धूल डाली जूतों में मेरे। किसने? ये इसने। ऐसे किट्टू दरवाजा बंद करो बाबू। बेचारी छुट्टी की मारी। खुद से जा रही है तेरे जैसे घर में। बेचारी छुट्टी लाडो। गेट मत बंद, गेट बंद करो और यहीं पे रहना, अंदर मत जाना ठीक है? मैं दीदी को छोड़ के आती हूँ। शाम का 7:45 हो गया है बाबू। उसको किस समय जाना है बाबू बर्थडे में? किट्टू 7:45 में? 7:30 तो हो गया है। शर्म कर ले। 45 कितना होता है? 7:45। 7:45 में जाना है आपको? काफी अच्छी हिंदी है। अच्छा ठीक है, तो रेडी हो जाओ फिर अच्छे से। अच्छे से रेडी हो जाओ। क्या बना रही है? क्या बना रही? कुछ भी नहीं, मैं अपने पन्ने चिपका रही हूँ। ओके। कॉपियों को इस्तेमाल में ला रहे हैं। गाइस देखिए ये चप्पल कितना सुंदर है। इस कमरे में आओ दिख जाएगा। ये काला डॉल्फिन वाला चप्पल, ये वही वाला चप्पल है जो कहाँ से लाई थी? V2। चलो फिर चलो 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 चलो। अच्छी लग रही है, फालतू मत बोला कर। लाडो दिखा तो, अच्छी लग रही है। पहली बार बनाया है ना ऐसा, तब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, नहीं तो अच्छा लग रहा है। दिखाओ, सीसा मत देखो, इसको देखो, अच्छा लग रहा है, मत देखो, मत करो। मेरी बार। दोस्तों रात का 7:30 हो रहा है। किट्टू को रेडी कर रखा है बर्थडे में भेजने के लिए। पड़ोस में बर्थडे है बच्चों का, दो बच्चों का एक साथ बर्थडे है। उस दिन के टाइम पे मैंने छत में से विश भी किया था उनको, तो उन दोनों बच्चों का बर्थडे है एक साथ। तो किट्टू को जैसा तैसा रेडी कर दिया है, मुझे अच्छे से बाल वाल बनाने आते नहीं है तो नॉर्मली रेडी कर दिया उसको। तो अभी जैसे 7:45 होता है फिर भेजती हूँ उसको। अभी 7:30 हो रहा है तो 7:45 तक भेजना बोला है उन लोगों ने, तो जैसे 7:45 होगा फिर भेजूंगी उसको। अभी तैयार हो रखी है थोड़ा सा, मैंने बोला तब तक पढ़ाई कर ले, अभी अंदर अपनी दी के साथ ही है अंदर। भैया किट्टू जा रही है, उसको इतनी जल्दबाजी हो रही है ना जाने की। रुको मेरे जूते नहीं मिल रहे, मेरे चप्पल नहीं मिल रहे, पहुंचाने भी कैसे आऊं मैं? हाँ वो सारे लोग नहीं आए हैं, तुझे हो रही जल्दी जाने की? कोई लोग नहीं आए हैं, तुझे कैसे हो रही जाने की? पहले आंटी से पूछी थी, वो लोग आ गए। बच्चे पहले चले गए। अंश तुम किस समय आए? किस समय आए तुम लोग? अभी आ गए 7:30। 7:45 में आने के लिए बोला था तुम। 7:30 में? चिल्ला मत, चिल्लाओ मत, चलो फिर जाओ जाओ। अंश दोनों आ जाना वो टाइम से ठीक है। मैं ना किट्टू को पहुंचाने गई, ये पीछे लग के आ गया मेरा, जैसे गेट खुला देखा इसने ये घुस गया अंदर। वहाँ पर सो जा, गेट उधर सो जा, सो जा। इसके लिए मैंने वहाँ पर मैट बिछा दिया, अपने आप सोते हैं। आ गया, आ जाओ, खुश रहना बेटा। हम तो इनका वेट कर रहे थे कब आए करके। आप चलो, हाँ मैं, हाँ आप चलो, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। कुत्ता आया था अंदर, गया नहीं गया? खाया आपने? सीधे खड़े रहो। मोमो भी खाए? ये 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 किसके लिए है? दीदी के लिए। अच्छा प्लेट बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा साइज का, मैं तो छोटे छोटे प्लेट लाई हूँ। अच्छा कैसा लगा फिर वहाँ, ठीक था सब? अच्छा चलो ठीक है, चलो फिर आप चेंज कर लो ठीक है।
ठीक है ठीक है। विभो तेरे लिए नीचे से किट्टू का जूठा भी भेजा है, ये कॉपी किताब हटा ले। मैं तो तेरे लिए खाना बना रही थी, इससे पेट भर जाएगा ना। तो ऐसी अच्छी लग रही है। कैसे? हाँ ऐसे अच्छी लग रही है, अभी फ्राक में अच्छी नहीं लग रही थी। कैसी बात कर देती है यार तू। भाई हरा मोमो। हरा मोमो ये वही वाला मोमो होगा, कटघरिया वाला। हाँ कटघरिया का एक ही बचाया तूने, शर्म नहीं तेरे को? एक हमने खा लिया था। पापा पापा लाते थे ये वाला मोमो पहले कटघरिया से। नहीं वो तो पीले रंग का लाते थे। हरे रंग का लाते थे कटघरिया से, कभी कभी लाते थे। मैंने तो नीला भी देखा है, खाया नहीं देखा है नीला। ठंडा हो रहा होगा। तो दोस्तों रात का 9:30 हो गया है लगभग, और यहाँ पे मेरी बन गई आज रोटियाँ, आधी रोटी बन गई है, और यहाँ पे बना रखा है पनीर, ऊपर से मलाई डाल रखा है, तो अच्छा लग रहा है ना। छी मत बोल, अच्छा टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, मैंने टेस्ट कर लिया। तो दोस्तों इसको खाना दे दिया है मैंने यहाँ पे ही, पनीर देखने में अच्छा लग रहा है, ये पहले ही छी बोलने लगी थी। मेरे को मलाई पसंद नहीं है। वरना मैं टोपी पहनती हूँ, टोपी से मेरे को यहाँ पूरी खुजली हो जाती है, तो इसलिए अभी टोपी उतार रखी है, ये पहन रखा है। तो किट्टू आप भी खा रहे हो बाबू? ओए लाडो आप भी खा रहे हो रोटी? वहां तो पन वही मारा। तो मैं क्या करूं? लड़ो आप भी खा रहे हो क्या है? ओए हेलो खा रहे हो खाना? इसको एलर्जी, खाना खाना है? नहीं खाना है तो लड़ो के लिए खाना नहीं खाना है, पर मैंने इसके लिए भी पका लिया था उधर बर्थडे में, पता नहीं क्या ही जो खा के आई है वो। क्या पकाया था उधर? क्या पकाया था बेबो? क्या पकाया था उधर? उधर चाउमीन था, मोमो था, वो ही खा के आई है ये। तो नहीं खाती हूँ गेरी, पका तो दिया है मैंने, अपने आप रहता है अब। तो दोस्तों अब आज का ब्लॉग जो है मैं समाप्त करती हूँ, और आप लोगों से मिलूंगी कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि बोलो, गुड नाइट बोलो, बाय बाय दोस्तों।